नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल इंडिया बोलेगा। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय से ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा रही थी। सद्भावना पुल पर भारी पुलिस फोर्स के साथ कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक के बाद जिलाध्यक्ष समेत सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लाइन बाजार ले जाया गया। इस दौरान सद्भावना पुल पे कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर हंगामा करने लगे, जिससे पुलिस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिंदाबाद 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 नहीं गिरफ्तारी करेंगे, गिरफ्तारी करा लेंगे। जिंदाबाद 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 आवाज दो,
सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी खड़ी है और उसी क्रम में हम ट्रैक्टर रैली निकाले हैं। 72 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक साथ जवान और किसान सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। ये बताइए, जब जवान और किसान की परवाह नहीं रह जाएगी, देश में और प्रदेश में बैठी सरकार अगर इस तरह से संवेदनहीन हो जाएगी, तब बाध्य होकर के किसानों को सड़क पर आना ही होगा। और उसी तरह सड़क पर आए हैं, उसी में समाजवादी भी सड़क पर। जवाब पकड़ के उठाएंगे और हम ट्रैक्टर रैली निकाल कर यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस देश में गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस कड़कड़ाती ठंडक में किसान आंदोलित है, उस आंदोलन में समाजवादी पार्टी कैसे क्या करे, इस तरह से आंदोलित किसानों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और उसी क्रम में हम ट्रैक्टर रैली निकाले हैं। 72 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक साथ जवान और किसान सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। ये बताइए, जब जवान और किसान की परवाह नहीं रह जाएगी, देश में और प्रदेश में बैठी सरकार अगर इस तरह से संवेदनहीन हो जाएगी, तब बाध्य होकर के किसानों को सड़क पर आना ही होगा। और उसी तरह सड़क पर आए हैं, उसी में समाजवादी भी सड़क पर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।